grabbed my wrist. The billboard promoted someone I knew. But boy, I'm glad I'm not in his shoes, 'cause I'm free to be red forever. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आ गई हूँ एयरपोर्ट। मेरा भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए फ़्लाइट है एयर एशिया का। तो मेरा टेक ऑफ था आई थिंक 7 बजे, बट फ्लाइट डिले है आज वेदर के वजह से, बिकॉज आते टाइम बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था। तो वेदर के वजह से डिले था आज का फ्लाइट। तो ये लोग सब चाय वाय पी के हम लोग आते आते हो गया 5:30। तो मैं सोच रही हूँ कि वही हम अभी अंदर जाएंगे, मम्मी पापा तो वही वेट करेंगे, मैं अंदर चली जाऊँगी और क्या। तो चलो चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आगे सब क्या क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा ठंड है कि हाथ वाथ पूरा कांप रहा है। तो वही बहुत दिन के बाद फ्लाई कर रही हूँ, तो एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। तो लेट्स गो इनसाइड। अभी 5:45 हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ चली जाऊँगी अंदर, जल्दी जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है। वैसे भी मुझे, मैं वेब चेक इन कर चुकी थी, तो ऑलरेडी मुझे बोर्डिंग पास मिल चुकी है। तो वही बस बैगेज ड्रॉप करना है, फिर वो लोग ये कर देंगे। गेट नंबर ऑलरेडी मैसेज कर दिए हैं, तो वही। मम्मी कैसा लग रहा है, तुम खुश हो? अच्छा लग रहा है। ओके ओके, मैं आती हूँ। मैं अंदर आ गई और मम्मी पापा चले गए। वैसे लग रहा था कि वो लोग जब बाय बोले ना, बहुत बुरा लग रहा था, क्या बोलूँ मैं। फिर पापा कॉल किए, बोले कि थोड़ा पीछे होके देख, पापा वहाँ देख रहे थे। ऑफकोर्स बुरा लगता है, मतलब ये वाला मोमेंट ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हमेशा ही, बट क्या करें, जाना तो पड़ता है। तो वही वो लोग शायद चले जाएंगे अभी तुरंत ही। एक तो फ्लाइट डिले था और ऊपर से फिर से मैसेज आया कि फिर से और डिले है। तो बट अच्छा है मेरे लिए, मुझे ना कोलकाता में बहुत टाइम, लाइक 5 hours to 6 hours मुझे वेट करना था, बट अच्छा हुआ ये डिले हो के, ताकि मुझे कम टाइम वहाँ वेट करना पड़े। मैं क्या ही करूँगी, मतलब वही ब्लॉग एडिट करूँगी और क्या। ये मैं आते टाइम कुछ ब्लॉग ही नहीं बना पाई, बिकॉज पूरा फॉग ही, बहुत सारे फॉग था। तो मैं डाल दूंगी वो वाला क्लिप, आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा फॉग था और क्या ही मैं शूट करूँ। तो मैं सोची कि मैं वीडियो का इंट्रो एयरपोर्ट में ही देना स्टार्ट करूँगी। तो वही आई थिंक एयर एशिया चेक इन विल स्टार्ट आफ्टर 10 to 15 minutes। तो अभी जाके मैं कर लेती हूँ चेक इन अपना, तो टेंशन जाएगा। मैं बैगेज दे दी, मेरा 13.9 kg था। तो वही अभी जाके सिक्योरिटी चेक इन कर लेते हैं, वैसे भी डिले है तो अंदर बैठना सही है। यहाँ देखो कितना मस्त सा बना हुआ है। बोर्डिंग पास मिल गई, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, वो भी ऊपर जा रही हूँ। मैं घर से निकली थी जैसे कि मैं बोली थी 3 बजे। तो पहले मैसेज आया कि 8 बजे टेकअप होगा, फिर अभी बोल रहे हैं कि 10:30 को। इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, लेट करे जा रहे। एयर एशिया के साथ हमेशा ही मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड रहा है,
तो इस बार भी वही हुआ. बट या आई हैव टाइम, सो या आई हैव टू मैनेज इट. लाइक मैं कुछ खा के भी घर से नहीं आई हूँ, तो देखूँगी अगर कोलकाता एयरपोर्ट में कुछ खा सकूँगी तो खाऊँगी, नहीं तो ऐसे ही चली जाऊँगी. वहाँ कुछ होगा नहीं तो मेरे पास है कुछ केक्स एंड ऑल, उसको खाऊँगी. और क्या, कुछ ऑप्शन नहीं होगा तो ही. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ कितना सारा, मतलब थोड़ा सा भी ऑर्गेनाइज नहीं है. मतलब लोग जैसे बस स्टैंड में खड़े होते हैं ना, वैसे ही सब खड़े हुए हैं. जगह नहीं है बैठने के लिए, सारे फ्लाइट्स लेट है और फॉग भी बहुत ज़्यादा है. तो वही फाइनली बोर्डिंग हो गया है. अभी कितना हुआ है, 11 हो गया, 11:10 या 11:30 हो गया. एटलीस्ट हो गया बोर्डिंग. तो वही इतना टेंशन हो रहा था कि अगर नहीं जा पाऊँगी, कैंसिल कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. बट या वो लोग जैसे तैसे करके हम फाइनली जा रहे हैं. तो वही मेरा 3:45 को फ्लाइट है. सो आई थिंक वहाँ पहुँचने के बाद ये ब्लॉग एंड कर दूंगी और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी. चलो दिखाती हूँ आज. में आएगा मेरा बैगेज, उसको कलेक्ट करके मैं
देखती हूँ कुछ खाना मिलेगा तो खाऊंगी, नहीं तो चली जाऊंगी चेकिंग के लिए, बिकॉज वो तो लंबा लाइन लगने वाला है लगता है। तो वही चलो, बेल्ट 5 जस्ट मेरे पीछे ही है, वहाँ से कलेक्ट करते हैं। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, लव यू ऑल। पहुँच गई मैं, ये देखो।